हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू नॉलेज की एबीसी लास्ट वीडियो में हमने सर्कल और कॉनिक सेक्शन के बारे में बात की थी कि कॉनिक सेक्शन से सर्कल एलिप्स पैराबोला और हाइपरबोला कैसे बनता है और सर्कल की पूरी इंट्रोडक्शन और उसकी इक्वेशन के बारे में बात की थी आज हमारा टॉपिक है एलिप्स का कि एलिप्स कैसे बनता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है हमने बताया था आपको कि एलिप्स बनता है एक कोन को जब कोई प्लेन कट करता है ऐसे अगर सीधा कट करे तो सर्कल बनता है अगर हल्का सा टेढ़ा कट करे यानी एल्फा जो है ये हमारा एंगल होता था एल्फा ये कौन है ये एल्फा एंगल है तो जब एल्फा हमारा इस हिसाब से होता था यानी ये जो प्लेन कट कर रहा है इसका एंगल ये जो बीटा है वो 90 से छोटा हो और अल्फा से बड़ा हो तो हमारा यहां पे ये एलिप्स बनेगा एलिप्स की शेप कैसी होती है एलिप्स होता है एग शेप का ऐसे बनता है अब जैसे हमने सर्कल की बात की थी कि सर्कल जो है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अफिक्स पॉइंट कि एक फिक्स पॉइंट से जितने भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होंगे उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उनको मिला के सर्कल बनता है इसी हिसाब से एलिप्स की क्या डेफिनेशन होती है तो वो हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की एलिप्स क्या है एलिप्स भी इसी तरह सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है एलिप्स इज लोकस या सेट बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन क्योंकि ये सारे प्लेन की चीजें हैं थ्री की नहीं है टू डी की है तो एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज सम ऑफ डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इज कांस्टेंट। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पढ़ने में लेकिन अभी समझ आ जाएगा आपको एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट यानी दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास अब एक पॉइंट हमने मान लीजिए ले लिया जिसका ये और ये डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस टोटल मिला के दस सेंटीमीटर है मान लीजिए ये चार है ये छो तो टोटल दस हो गया अब हमने क्या करना है एक पॉइंट और लेना है जो कि फाइव और फाइव हो वो पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहां आ जाएगा बराबर बीच सी में ये फाइव और फाइव हो गया ये भी दस हो गया एक पॉइंट और और ले लिया जो कि फोर है ये सिक्स हो गया ये फोर हो गया तो वो भी टेन हो गया फिर हमने ले लिया थ्री और सेवन यानी जितने भी पॉइंट्स यानी इसका डिस्टेंस और इससे उस पॉइंट का इस पॉइंट से और ये दोनों फिक्स पॉइंट है इन दोनों फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स का डिस्टेंस जो दस सेंटीमीटर आ रहा है ये कांस्टेंट है दस की जगह हम नौ भी ले सकते हैं आठ भी ले सकते हैं लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए तो जितने भी पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स आ रहा है उन सबको अगर हम मिलाते हैं ऐसे तो जो पाथ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा वो क्या होगा पाथ हमारा एलिप्स तो यानी अब अगर हम देखें ये फोकस हो गए इसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं इसमें दो हैं हमारे यानी फोकस का प्लूरल प्लोरल तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये हो गया या, यानी किसी भी पॉइंट का इस पूरे पाथ पे कोई भी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से लेते हैं उनका जो सम होगा वो सबका बराबर आएगा तो इस डेफिनेशन के हिसाब से एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन पॉइंट यानी दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम आ रहा है वो कांस्टेंट है इसका डिस्टेंस और यहीं से इसी पॉइंट का इससे डिस्टेंस ये दोनों का सम जो है या हम ये पॉइंट ले लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ दिया ये पॉइंट ले लिया इसका ये प्लस ये तो ये सारा जो है प्लस करें अगर हम तो सब कॉन्स्टेंट होता है फिक्स आएगा तो ये तो हो गया हमारा एलिप्स की डेफिनेशन अब इसमें हमारे कुछ चीजें हैं वो हम बताते हैं आपको एक बार पहले फिगर दोबारा बना लेते हैं अच्छी सी ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है ये हमारा एलिप्स हो गया। इसमें दो फिक्स पॉइंट हमने ये ले लिए। इनको बोलते हैं फोकस प्लूरल में फोकई दो हैं, इसलिए फोकई बोलेंगे इनको हमने मिला दिया ये पॉइंट थोड़ा सा हो, हो ठीक है तो ये हो गए कई okay, हो गए हमारे एफ वन और एफ टू ये फिक्स पॉइंट है जो हमारे फिक्स पॉइंट की बात हो रही थी कि दो फिक्स से डिस्टेंस वो ये एफ वन और एफ टू है इसके बाद जो हमारा फोकस को मिलाने वाले पॉइंट्स होते हैं लाइन होती है जो जो इन फोकस को मिलाएगी ये पूरी लाइन यहां से लेके यहां तक क्या होती है इसको हम लेते हैं ए और बी ए और बी क्या है हमारे पहले ए और बी की बात कर लेते हैं वर्टेक्स अब जो लाइन ये फोकस के पास में से होके जा रही है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये ये होगा सेंटर तो डेफिनेशन देख लेते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स सेंटर जो है मिड पॉइंट्स ऑफ ज्वाइनिंग फोकस इज कॉल्ड सेंटर तो सी क्या हो गया हमारा दोनों फोकस का मिड पॉइंट जो है वो ये सी सेंटर है सेंटर ऑफ एलिप्स ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं इनको फोकस बोलते हैं और ये दोनों क्या है ये दोनों हमारे वर्टेक्स हैं तो लाइन सेगमेंट थ्रो द फोकई इज कार्ड अब ये जो लाइन सेगमेंट फोकस से होके जा रहा है लाइन सेगमेंट थ्रो द फोकई इज मेजर एक्सिस ए बी ए बी जो लाइन जा रही है मेजर एक्सिस हो गई ए बी लाइन सेंटर है हमारा सी अब ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं सॉरी इसको ओ मानते हैं हम सेंटर को ओ लेते हैं हमेशा ओ ले लेते हैं ये सी और डी हो जाएगा लाइन सेगमेंट थ्रो सेंटर सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास हो रही है और मेजर एक्सिस के प्रपेंडिकुलर है यह लाइन जो है सेंटर से पास हो रही है और मेजर एक्सिस के प्रपेंडिकुलर है थ्रो सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज माइनर एक्सिस उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस और जो एंड पॉइंट हैं वो वट टीसीज होती है वर्टेक्स ए और बी वो वर्टेक्स हो गई तो अब सी डी क्या हो गया माइनर सी डी को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस तो एक बार दोबारा नजर मार लेते हैं ये सेंटर हो गया एफ वन एफ टू का मिड पॉइंट एफ वन एफ टू क्या है फिक्स पॉइंट है ए और बी क्या है वर्टेक्स हैं है इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये लाइन जो कि ओ में से सेंटर में से पास होती है और ए बी के यानी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस ठीक है अब बात आती है ये डिस्टेंस क्या होता है इसको हम मानते हैं सी जो मेजर एक्सिस की लेंथ है उसको हम हमेशा टू ए तो ये जो ए बी है मेजर एक्सिस इसकी लेंथ हमेशा हम टू ए लेते हैं और सी डी जो है माइनर एक्सिस इसको टू बी लेते हैं तो ये लेंथ कितनी हो गई हमारी ये हो गई बी क्योंकि माइनर एक्सिस पूरा हमने टू बी माना था तो ये बी हो गया ये लेंथ है ये ए हो गई क्योंकि पूरा जो है टू ए था अब आता है जो फोकस है यहां से लेके यहां तक सेंटर से फोकस का डिस्टेंस उसको हम सी मानते हैं ओ एफ वन या एफ टू सेंटर टू फोकस उसको हम सी मानते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है सी तो ए बी और सी तीन हमारे पास लाइंस हैं, तीन हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। तो उनका यूज करके हम डेफिनेशन इसके कुछ पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और इसकी इक्वेशन देखेंगे क्या बनती है अब इससे देखिए इन दो पॉइंट से इसका डिस्टेंस है जो इस सी पॉइंट का फिक्स है इन दोनों का सम बराबर वही आएगा जो सबका है फिक्स आएगा और ये जो पॉइंट है बी यहां से इसका डिस्टेंस ये भी तो इसके ऊपर ही है एक पॉइंट और इससे इसका पॉइंट इसका सम और ये जो इसका डिस्टेंस अभी दो मानी सीधी बात है हमने दो पॉइंट ले लिए एक सी और एक बी इनसे जो डिस्टेंस आएगा उसका सम इक्वल आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो आपका सबका डिस्टेंस सेम आता है यहां से सी का और इससे इसका दो सम आएगा जो वो एफ वन से बी का एफ टू से बी का सम जो आएगा बराबर होंगे लिख लेते हैं एफ वन सी एफ टू सी जो समा इस पॉइंट का डिस्टेंस ही हो गया इसका सम और इसका सम वो जो है बी से भी बराबर होना चाहिए एफ वन बी एफ टू बी ठीक है अब हम पहले एफ वन बी और एफ टू बी निकालते हैं एफ वन बी और एफ टू बी जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा देखिए एफ वन बी से यहां से यहां तक ये प्लस ये है एफ वन ओ प्लस ओ बी यहां से ये यहां से ये और एफ टू बी ये है ये हो गया अब एफ वन ओ क्या था हमारा ये चीज ये सी था हमारा ये देखिए सी था सेंटर से फोकस का फोकस से सेंटर का डिस्टेंस सी है ओ बी क्या है हमारा ए है टोटल और एफ टू बी क्या है एफ टू बी का कोई हमारा मेजरमेंट नहीं है ये ए में से अगर हम सी को माइनस कर दें तो एफ वन बी बच जाता है तो टोटल मिला के हमारा क्या हो गया दिस इज इक्वल टू टू ए टू ए आ गई इसकी वैल्यू तो हम इसको टू ए लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ एफ वन सी एफ टू सी इज इक्वल टू टू ए तो ये जो हमारा है ये डिस्टेंस जो है टू ए होना चाहिए अब इसका डिस्टेंस एफ वन सी की वैल्यू क्या आएगी इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर क्योंकि नाइनटी है इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर ये क्या है सी एंड ये है बी ये देखिए ये बी था और ये पार्ट सी है इधर का भी सी होगा तो दिस प्लस दिस ये आ गया ऐसे ही इधर भी ये भी सी है ये एफ वन सी अंडर उठ बी स्केयर प्लस सी स्केयर और ये भी अंडर उठ बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू टू ए बनता है अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया टू अंडरूट बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू टू एज इक्वल टू ए स्केर तो c हमारा जो है a और b तो हमने लेने ही है इक्वेशन के अंदर कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस c हमने खुद माना हुआ था एक तो c को हमने नहीं रखना तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं c की वैल्यू आ गई ये स्केयर माइनस बी स्केयर अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन क्या होती है इसमें एक हमारी डेफिनेशन और होती है सेंट्रिसिटी सेंट्रिसिटी क्या होती है सी और ए का रेशियो सी और ए की रेशियो तो सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स टू वन ऑफ द फोकई and one of the vertices centricity of ellipse is ratio of distance from center to वन ऑफ फोकई एंड वन ऑफ वर्टेक्स यानी एक फोकई और एक वर्टेक्स का जो ये डिवाइडेड बाय ये ये जो रेशियो आती है यानी सी बाय वो होती है इसकी एसेंट्रिसिटी तो इसको हम ई e से डिनोट करते हैं अब इसकी इक्वेशन क्या होती है अब इक्वेशन के बारे में बात करेंगे ये एलिप्स था दिस इज मेजर एक्सिस दिस इज माइनर एक्सिस एंड दीज आर फोकल अब इसके अंदर देखिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी पी तो उसका डिस्टेंस जो है ये सम इक्वल आएगा किसके टू ए के ये डिस्टेंस ही हमेशा याद रखिए कि किसी भी एलिप्स का जो डिस्टेंस होता है सम ऑफ डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं कि फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का सम होता है जो वो हमेशा टू ए होता है ये एलिप्स की एक प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या होगा एफ वन पी प्लस एफ टू पी इज इक्वल टू टू ए तो इसके अंदर अब हमारा एफ वन पी क्या आएगा ये है हम क्या पॉइंट है माइनस सी जीरो हमने सी डिस्टेंस होता है हमारा तो ये माइनस सी जीरो दिस इज सी जीरो और ये पॉइंट हमने पी ले लिया एक्स वाई तो एफ वन पी क्या होगा एफ वन से पी का डिस्टेंस आएगा अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इनपे प्लस वाई स्केयर और एफ टू पी क्या आएगा एक्स माइनस सी का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए नाउ अब हम क्या करेंगे इसकी इक्वेशन बनाने के लिए इनको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको उधर ले जाते हैं ये आ गया. अब इसके अंदर स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड इसका क्या आ गया x प्लस सी का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू इसको स्केयर किया फोर ए स्केयर प्लस इसका स्केयर माइनस टू ए बी यानी फोर ए अंडर रूट एक्स माइनस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर नाउ वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हो गया बचा क्या ये और ये और ये ये तीन बच गए हमारे पास तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसको हम इधर ले आते हैं ये पार्ट जो है हम इधर ले आए और बाकी सबको उधर ले जाते हैं ये हमारा क्या था फोर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्र प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू एक्स सी और इसको उधर लेके आए तो माइनस एक्स स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस टू एक्स सी ये आ गया नौ एक्स स्केर और सी स्केयर कैंसिल हो गए बचा क्या फोर ए अंडर रूट एक्स माइनस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ये और ये फोर को मना रहा है ए स्केयर माइनस एक्स सी ये फोर एक्स सी हो गया ना तो फोर को मन गया फोर से फोर कैंसिल अब क्या होगा अब इसको हम ए को इधर ले लेंगे तो यहां आ गया ए बच गया माइनस एक्स सी बाय ए ये आ गया तो अब इसके हम स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड दिस प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केर प्लस एक्स स्केयर सी स्केयर बाय ए स्केयर माइनस टू एक्स एक्ससी इसका स्केयर इसका और माइनस टू ए बी ए से ए कट गया टू एक्स सी बच गया अब इसको पूरा ओपन करते हैं ये कैंसिल हो गया अब इसमें हमारे पास क्या था इक्वेशन में ए और बी आता है सिर्फ तो हम सी की वैल्यू रखेंगे सी की वैल्यू हम कहां से रखेंगे तो हमने ये निकाली थी सी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर यहां ये वैल्यू पुट करते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो सी स्केयर की वैल्यू एक्स स्केयर बाय ए स्केयर इंटू ये आ गया अब इसके अंदर देखिए ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो गया बचा क्या एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस सॉरी इज इक्वल टू एक्स स्केयर ये से कैंसिल हो गया माइनस दिस ये आ गया एक्स स्केयर से हमारा एक्स स्केयर कैंसिल हो गया अब पूरे को अगर हम ए स्केयर से मल्टीप्लाई कर लें, या एलसीएम ले, ले लेते हैं ए स्केयर वाई स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर इसको उधर ले जाते हैं साथ ही एक्स स्केयर, बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो तो बना क्या एक्स स्केयर, बी स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केर नाउ डिवाइडिंग से डिवाइड कर देते हैं इसको square, square से डिवाइड करेंगे तो बीस कट जाएगा ए बायर बच गया इसको करेंगे तो वाई स्केयर बाय स्केयर बच गया और इसको करेंगे तो वन आ गया तो ये हमारी आ गई एलिप्स की इक्वेशन जिसके अंदर ए होता है हमारा मेजर एक्सिस यहां से लेके ये डिस्टेंस और बी होता है ये डिस्टेंस और पर्टिकुलर केस के अंदर अगर ये सर्कल है यानी सर्कल कब बनेगा जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो ये एलिप्सिक सर्कल हो जाता है तो अगर ये बराबर हो गए ए और बी तो यहां भी ए आ जाएगा और एलसीएम लेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन गई एक्स स्केर बायर इज इक्वल टू वन एल्सियम लिया एक्सकेयर प्लस वाई स्केयर इज इकल टू ए स्केर तो ये इक्वेशन वही होगी सर्कल वाली जो हमने पहले की थी लास्ट वीडियो के अंदर तो ये हमारी थी एलिप्स की डेफिनेशन और एलिप्स की इक्वेशन तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो नेक्स्ट पैराबोला और हाइपरबोला के साथ जल्दी मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो का नेक्स्ट वीडियो का थैंक यू सो मच